हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में शोध अभिकल्पना की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। कर्लिंगर ने लिखा है कि शोध अभिकल्प अन्वेषण की योजना संरचना एक रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोध में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें और विविधता को नियंत्रित किया जा सके। यह अभिकल्पना या योजना शोध की संपूर्ण रूपरेखा या कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की रूपरेखा सम्मिलित होती है। जो शोधकर्ता प्रकल्पनाओं के निर्माण तथा उनके परिचालनात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है। एकॉफ के अनुसार प्ररचित करना, नियोजित करना अर्थात अभिकल्पना उस स्थिति के उत्पन्न होने के पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है। यह एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की और निर्देशित जानबूझकर की गई पूर्वगामी प्रक्रिया है। सैलेड्स, जहोदा, डैमेज और कुक के अनुसार एक शोध अभिकल्पना आंकड़ों के संकलन विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो शोध की संगतता को कार्य रीतियों में आर्थिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है। कैनथ तथा डैविस के अनुसार शोध प्ररचना समग्र संकलन के लिए एक रूपरेखा है। इसमें शोधकर्ता स्पष्ट करता है कि क्या प्राप्ति की आशा करता है, वह सूचनाओं का संकलन कैसे करेगा। रोनाल्ड और गिस्ट के अनुसार शोध प्ररचना उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक वांछित सूचनाओं का विकास किया जाना है। बॉयड एंड वेस्टफॉल के अनुसार वैज्ञानिक रूप से किए जाने वाले प्रत्येक शोध में समंकों के संकलन का नियंत्रण करने हेतु बनाई जाने वाली रूपरेखा या विधि को ही शोध प्ररचना कहते हैं। इनका कार्य वांछित समंकों को प्राप्त करना है तथा यह कि उनका संकलन शुद्धता और बचत के साथ किया जाना चाहिए। पीवी यंग ने अपनी परिभाषा में बताया कि शोध प्ररचना शोध के एक अंश का तर्कयुक्त तथा व्यवस्थित नियोजन एवं निर्देशन है। शोध अभिकल्पना की विशेषताएं, इसका संबंध सामाजिक शोधों से होता है। इसका निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा विपणन घटना का सरलीकरण किया जाता है। विपणन अभिकल्पना का सरल रूप में प्रस्तुतिकरण है। यह समस्या के समाधान की आवश्यकताओं के प्रमाण का विवरण है। यह समस्या के उत्तरों को उत्पन्न करने हेतु समंकों का क्या किया जाएगा का पूर्वानुमान किया जाता है। यह आधारभूत योजना का विवरण है जिसके द्वारा उत्तरों को प्रकट किया जाएगा या वैधता को ज्ञात किया जाएगा। यह निर्दिष्टीकरण का प्रमाण है, कहाँ और कैसे इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। यह परियोजना की लागत, संभाव्यता की गणना और अनुमति के लिए मार्गदर्शक है। शोध अभिकल्पना शोध की प्रक्रिया में आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करती है और शोध कार्यों को सरल बनाती है। इसकी रूपरेखा शोध कार्य करने के पहले तैयार कर ली जाती है। इस तरह से यह शोध कार्यों को पूर्व आधार प्रदान करती है। शोध अभिकल्पना शोध की एक रूपरेखा होती है। इसका निर्माण शोध कार्य के पूर्व किया जाता है। यह शोधकर्ता की शोध को एक निश्चित दिशा का बोध कराती है। यह प्रस्तावित कार्य के मार्गदर्शन हेतु रूपरेखा या योजना का प्रावधान है। शोध प्ररचना शोधकर्ता को शोध की एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। शोध प्ररचना विपणन समस्या की जटिल प्रकृति के सरल रूप में प्रस्तुत करती है। यह शोध प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने और शोध कार्य को सरल कराने की क्रिया है। यह विपणन शोध के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। शोध प्ररचना का चयन विपणन शोध की समस्या या परिकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। शोध प्ररचना समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करती है। शोध प्ररचना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय एवं प्रामाणिक परिणाम प्राप्त करना होता है। इसमें अवलोकन और विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करना, शोधकर्ताओं के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना आवश्यक है। शोध में परिकल्पना के आधार पर विभिन्न कारकों के प्रसरण पर नियंत्रण रखना, शोध कार्य में सहायता करना, शोध की समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। समंकों के संकलन की विभिन्न विधियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। समंकों के संकलन एवं संशोधन हेतु सुव्यवस्थित योजना का उपलब्ध होना, समंकों के विश्लेषण हेतु सुव्यवस्थित योजना बनाना।
फिर शोध प्ररचना के प्रकार के बारे में बात करेंगे, अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना, व्याख्यात्मक शोध प्ररचना, विधेयात्मक शोध प्ररचना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और प्रेडिक्टिव। सबसे पहले बात करेंगे अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना। इस शोध प्ररचना में विचारों एवं तथ्यों पर बल दिया जाता है। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी विपणन समस्या में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है तो उससे संबंधित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक शोध प्ररचना। वर्णनात्मक शोध प्ररचना जिसमें कि समस्याओं की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होती है। इसमें बताया गया है कि वर्णनात्मक अध्ययन के उद्देश्य में समस्या के कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे का निर्धारण होता है। इस प्रकार विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना ऐसी शोध प्ररचना का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए समस्या या विषय के संबंध में यथार्थ पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होना आवश्यक होता है। निदानात्मक शोध प्ररचना डायग्नोस्टिव रिसर्च शोध प्ररचना का यह प्रकार जिसमें किसी प्रकार की समस्या के कारणों को ज्ञात करने के साथ उनके समाधान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सभी प्रकार के शोध कार्यों का उद्देश्य वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि होता है। तो केवल निदानात्मक शोध ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक कारणों को ज्ञात करने के साथ उनके समाधान भी ज्ञात किए जाते हैं। प्रयोगात्मक शोध प्ररचना यह शोध प्ररचना का वह प्रारूप है जिसमें किसी समस्या के कारण प्रभाव संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण, परीक्षण तथा विपणन समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शोध प्ररचना बनाई जाती है। थैंक यू।